ब्रदर का नाम बलविंदर सिंह है, जे नवी वादी के रहने वाले हैं। इस ब्रदर की गवाही जे कि 6 साल से जे ब्रदर बहुत सारा नशा करते थे और जे नशा स्मैक का नशा, इंजेक्शन, टीके लगाना, कैप्सूल, गोलियां, बहुत सारा नशा करते थे और इनकी फैमिली भी बहुत परेशान थी, इनकी वाइफ भी बहुत परेशान रहती थी। और इस ब्रदर ने बताते हैं कि नशे के कारण जे ब्रदर ने 16 लाख का नशा कर चुके थे और जे ड्राइवर हैं और जो भी पैसा कमाते थे वो भी नशे में लगा देते थे। और नशे के कारण इस ब्रदर ने बताया कि इनका लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसके कारण इनके ऊपर एक केस भी बढ़ गया 307 का, और उसके कारण भी इस ब्रदर ने 16 लाख रुपया इस ब्रदर का लगा। और जिस इस ब्रदर ने बताया कि इनका एक प्लाट था जो कि 25 से 30 लाख का था, और वो भी लड़ाई झगड़े के कारण ही जो बताते कि 8 लाख का बेचना पड़ा। और उसके कारण जे ब्रदर ने बताया कि आज तक हमने टोटल 32 लाख रुपया एक नशे में वेस्ट हो गया इनका। और इस ब्रदर ने बताया कि इनकी जो वाइफ थी, उनका जो गोल्ड था, जितनी भी ज्वेलरी थी, वो भी इस ब्रदर ने नशे के कारण पूरी नशे में लगा दी और कुछ भी नहीं बचा। और इनकी वाइफ बहुत परेशान हो चुकी थी और वो चाहती थी कि इस नशे से जे आज़ाद हों। बहुत कुछ किया पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जे नशे को छोड़ सकते। और एक दिन इनकी वाइफ को गुड न्यूज़ मिली और जैसे जे संगति में आए और इनको फर्स्ट मीटिंग में आए और इनको पॉजिटिव नेगेटिव प्रार्थना के लिए बताया गया और इनकी मीटिंग प्रभु के दास के साथ हुई। और जैसे प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया कि ऐसे अविश्वास में बने रहो, और जैसे नेक्स्ट मीटिंग में आए तो प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे कि जो नशे की दुष्ट आत्मा, अब उससे आज़ाद हो चुके हो। तो इस ब्रदर ने और इनकी वाइफ ने विश्वास के साथ रिसीव किया। आओ हम इस क्लिप को देखते हैं। किए वो हर प्रॉब्लम से, हर हालात से आजाद हो जाएं, हर नशे की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा हर नशे की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। और जैसे ये रिसीव करके गए और ये बताते हैं कि आज अभी इनको 2 ही मीटिंग अटेंड किए, तो इस ब्रदर ने जो 6 साल से नशा कर रहे थे आज उस पूरे नशे से जे टोटली फ्री हो चुके हैं। सुनो, और ये छोटी बात नहीं। बोलो क्या है, किसी का इन चीजों में 32 लाख रुपए का नुकसान हो जाए, कितने का? यहां पे मेरे पास 18 लाख लिखा, 18 लाख का घर बेचा जी, हाँ जी 18 का, हाँ यहां पे लिखा कि सबसे पहले कि ये अब समय का नशा, इंजेक्शन मतलब टीके, कैप्सूल, गोलियां, ये सब नशे करते थे, ये ड्राइवर थे और इतना भी ये कमाते थे, ये नशे में ही सारा उड़ा देते थे। और 6 साल में इन्होंने 16 लाख का नशा कर लिया। बाप पूरे बाप, 6 साल में 16 लाख का नशा। फिर लिखा कि ऐसे किसी के साथ इनका झगड़ा हो गया और झगड़े के कारण इसके इनके ऊपर एक केस 307 का बन गया, जिसके कारण उस केस में कुछ पैसे चाहिए थे। इनका 25-30 लाख का घर था जो इन्होंने 18 लाख में बेच दिया। कितने का? 18 लाख का अपना घर बेच दिया, क्योंकि 307 केस मतलब समझते हो, छोटा जी छोटा केस नहीं है, बड़ा केस है, समझ रहे हो। और इसकी वजह से सोचो इनकी फैमिली कितनी परेशान होगी, इसके घर वाले, इसकी जो पत्नी है वो भी आई है जी, हाँ उनको भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ। हाँ तो देखो, अभी कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा बंदा, उसका माता पिता, उसकी ये इसकी उसकी पत्नी है, लिखा इसकी भी जितनी इतनी इसकी भी जितनी ज्वेलरी थी, इसका जितना सोना था, इस भाई साहब ने वो भी नशे में उठा दिया। 16 लाख का नशा कर लिया और 16 लाख ही लड़ाई में, केस में लगा दिए,
और 32 लाख रुपए का किसने नुकसान कर दिया? किसने नुकसान कर दिया? किसने कर दिया? परमेश्वर ने। किसने नुकसान कर दिया? परमेश्वर ने। जैसे लोग कहते हैं जो कर्मों में लिखा जी वो ही होना है। हा? कैसे कर्म लिखते हैं परमेश्वर ने इनके? हा? जो कर्मों में लिखा वो ही होगा जी। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे लोग नाश हो रहे हैं मेरा ज्ञान ना होने से। क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं, नाश। अगर इनको ये गुड न्यूज ना मिलती, इन्हें यीशु मसीह के बारे ना पता लगता, क्यों बाइबल में लिखा कि इस काश के नीचे और पूरी पृथ्वी के मनुष्यों में परमेश्वर ने कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिससे तुम क्या बचाए जा सकते हो, जिस नाम से तुम्हें जीवन मिल सकता है? एक ही नाम है, यीशु। पर वो नाम लोगों ने आज क्या बना दिया? एक धर्म का नाम। क्या वो धर्म का है? हाँ, ईसाइयों का है, वो अंग्रेजों का है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा ये खुशखबरी का, ये शुभ समाचार मतलब खुशखबरी का पर्दा अगर पड़ाया उन लोगों पर पड़ा जो नाश हो रहे। बोलो क्या है ये शुभ समाचार? जो यीशु खुशखबरी का नाम है, अगर किसी लोगों पर ये पर्दा पड़ा है तो वो नाश होने वालों के लिए पड़ा है। बोलो, वो नाश होने वालों के लिए पड़ा, उनके ऊपर ये पर्दा, समझ रहे हो? पर इन्होंने आकर वो सच्चे खुदा की उन बातों को समझा, सीखा। हाँ, बोलो क्या है? और ये भाई साहब की ये पत्नी है। लोग तुझे, तेरे रिश्तेदार घर वाले क्या कहते थे, इसे छोड़ दो। हाँ, थोड़ा माइक दो, इधर आके भाई क्या करता है, चाहे उसे बुला ले, क्या कर रहे हो? आपको समझ? मेरे घर वाले कहते हैं कि नु तलाक दे दो। माइक पास करो। बोल दी रही कि मैं तलाक नहीं देना है, आपे परमेश्वर इनु सुधारूगा। देखो बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई। पिके फैमिली वाले बोलते थे। हां जी, ते मैं अपनी मासी दे द्वारा इथे आई हां। देखो हां जी, मैं तां इसके अपनी मासी दा कर। इसके जो पिके परिवार वाले थे वो कहते थे इसे क्या दे दो? तलाक दे दो। क्या दे दो इसे? तलाक दे दो, तलाक, क्योंकि ये सुधरेगा नहीं। जैसे संसार में लोग हैं, तो मैं आपको एक बड़ा आंशिक चीज बताता हूं इनके गवाही से। देखो, हर एक मनुष्य किसने बनाया? किसने बनाया? परमेश्वर। और जो चीज परमेश्वर ने बनाई है कभी वो गलत हो सकती है? हाँ, सूरज को किसने बनाया? आप बोलोगे ये सही नहीं, इसका जो रंग है पीला नहीं, थोड़ा सा ग्रीनिश, थोड़ा सा हरा हरा होना चाहिए, थोड़ा सा ब्लू होना चाहिए, ये बहुत आग को ऐसे लगता है। ऐसे कोई बोलेगा? तारों को बोलेगा? पेड़ किसने बनाई? कोई कहेगा कि ये जो अमरूद का पेड़ ऐसे नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ये सही नहीं है, आम का पेड़ ऐसे नहीं होना चाहिए। जो चीज परमेश्वर ने बनाई कोई कहेगा कि ये सही नहीं है? इंसान को किसने बनाया? और बाइबल में लिखा इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, स्वरूप अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। हा? कैसे बनाया? अभी समझ आ रही सबको? इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपने जैसा पवित्र। बोलो क्या है? अपने जैसा पवित्र। पर शुरू में जो गलती पहले मनुष्य और पहली औरत ने की, उसी का हर्जाना आज पूरी दुनिया भुगत रही है। हाँ, पर यह होना था कि इंसान उस पाप के वश में रहता, परमेश्वर से दूर रहता और इस दुख में रहता, इसलिए लिखा उसका प्रेम प्रकट हुआ इस दुनिया में। क्या हुआ? उसका प्रेम इस दुनिया में प्रकट हुआ कि उसने एक तीवी से अपनी इकलौते बेटे को इस दुनिया में पैदा किया, हमारे जीवन, हमें जीवन देने के लिए। हाँ, क्या देने के लिए? जैसे आज इन्हें किसके नाम से जीवन मिल गया? उसी यीशु को, जिसे लोग कहते हैं ये धर्म का है, ये ईसाइयों का है। किसका है? ये ईसाइयों का। अभी तुझे कैसा लग रहा है? खुश हो? बहुत वधिया लग रहा है। परमेश्वर दी रजा दे विच मैं रह के ना आज मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर। हाँ, ये बहुत खुश है। देखो, पर खुश होने का कारण भी तो देख लो, खुश होने का कारण भी तो समझो, इसने अपना भरोसा किस पर बनाकर रखा? हाँ, परमेश्वर दे।
परमेश्वर पे, है ना। इससे पहले ये कहीं और जगह चर्च जाती थी, ये अकेली जाती, तब भी ये इसका पति नहीं जाता था। हाँ, तो अभी आज यहां पे आई और कुछ चीजें मैंने इसको बताई कि कैसे परमेश्वर डिलीवर करता है, कैसे फ्री करता है। आज इसने इस बातों को समझा है और जाना है, और आज देखो कितना, हाँ, लोग सोचेंगे कि कितना बड़ा नुकसान तो हो गया, पर कोई बात नहीं। लोग कहते हैं जान बची लाखों पाई, ऐसे बोलते हैं, हाँ? ऐसे बोलते हैं ना, जान बची लाखों पाई, जीवन तो बच गया, कोई बात नहीं, हाँ? कोई बात नहीं, जीवन तो बचा ना। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी गवाही को सुनकर अब सब लोगों को बताओ कि वो सच्चा खुदा है, वो धर्म का परमेश्वर नहीं, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हाँ, वो किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है। क्या बदलता है? इसलिए हम एक वर्शिप सॉन्ग गाते हैं ना, कैसे जी गाओ थोड़ा सा, यीशु धर्म बदलता नहीं, वो तो जीवन बदलता है। हाँ, हाँ, कोई कहता पैसे च विक गया, कोई कहता पैसे ते डुल गया, कोई कहता धर्म नू भुल गया, कोई कहता पैसे कोई मार दाए ताने झूठे लप के बहाने, कोई मार दाए ताने झूठे लप के बहाने, कोई मार दाए ताने झूठे लप के बहाने, खड़े होकर तारीफ करनी चाहिए उसकी। मैं पैसे च नहीं विकिया, मैनू यीशु दे प्रेम ने खरीदया, मैं पैसे च नहीं विकिया, प्यार ने खरीदया, मैं पैसे च नहीं विकिया, मैनू यीशु दे प्यार ने खरीदया, मैं पैसे च नहीं विकिया, मैनू यीशु दे प्यार ने खरीदया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग समझते हैं, हाँ, और ये चीज पता क्यों है, समझो ये चीज क्यों ऐसे लोगों के मन में है, क्योंकि ये चीज डेविल ने, शैतान ने लोगों के मन में डाल दिया। क्योंकि यीशु एक सच्चा प्रभु, एक सच्चा खुदा है जिसके पास जीवन है, और शैतान नहीं चाहता कि लोग उसके पास आए, उसकी बात को समझें और जीवन पाए। क्या पाए? इसलिए ये बातें उसने लोगों के मन में ढाल कर रखी है। क्या रखी है? ताकि वो लोग जीवन ना पाए। क्या ना पाए? जीवन ना पाए। समझते हो? समझ आ रही है सबको? इसलिए ये बहुत ही बड़ी गवाही है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी गवाही है। इसलिए जोर से जोर से जोर से तारीफ करेंगे सब, जोर से जोर से। आमीन। और ये आपके लिए आज इस गवाही से एक गुड न्यूज है कि अगर आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई भाई, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, है ना, समझते हो, इन चीजों में फंसे हैं, आप जाकर किसकी गुड न्यूज दो, किसकी खुशखबरी दो, किसके बारे बताओ, ताकि उन्हें भी क्या मिले? जीवन मिले। जीवन क्या मिले? जीवन मिले, क्योंकि वो सबको जीवन देने के लिए आया। क्या आया है? इसलिए आज का विषय जीवन की बातों का विषय है। मैं जानता हूं कि आज परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने वाले, बहुत बड़ी। ये मैं एडवांस में आपको आशीष दे रहा हूं। आमीन। ओके जी, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। बस ऐसे ही आप उसके प्रेम में बढ़ते जाओ, ठीक है जी। उसकी हर आशीष को अपने जीवन में लो, और ऐसे ही खुदा की प्रेम में बढ़ो, और उसकी नाम को ऊंचा करना, ठीक है जी।